बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आपको बता दें कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की विभव कुमार को लेकर कड़ी फटकार भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला से गलत बर्ताव पर शर्म नहीं आई। विभव कुमार सीएम आवास में क्या कर रहे थे? क्या आवास गुंडों को रखने के लिए है? ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक बड़ी टिप्पणी की गई है, महिला से गलत बर्ताव पर टिप्पणी की गई है कोर्ट की ओर से। और ये कहा गया है कि शर्म आनी चाहिए अगर महिला के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, वो भी सीएम आवास के अंदर। विभव कुमार सीएम आवास में क्या कर रहे थे, क्या कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है स्वाति मालीवाल केस में, ये बताने के लिए पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया और 7 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत की यह टिप्पणी तब आई जबकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल घर में घुस आई और उसके बाद वो गलत बर्ताव करने लगी। तब जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि आखिर आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर में कोई गुंडा घुस गया हो और आपको शर्म आनी चाहिए, यानी कि विभव कुमार की ओर से जो दलील दी जा रही थी उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो एक महिला है और हम तो सुपारी लेकर के हत्या करने वालों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में सबसे जरूरी ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर किस तरह से आपका बर्ताव था, क्या सीएम आवास के अंदर ऐसा बर्ताव किया जा सकता है, क्या सीएम आवास में विभव कुमार जो कर रहे थे वो एक साधारण व्यक्ति का बर्ताव है, क्या वो एक गुंडे का बर्ताव है। तो इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अब अगली सुनवाई इस मामले पर 7 अगस्त को होगी। तब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस क्या पक्ष रखती है और उसके बाद विभव कुमार को जमानत मिलती भी है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, नजर बना के रखिए। तो पीयूष डिटेल में जानकारी दे रहे थे कि इस मामले में नोटिस तक जारी किया गया दिल्ली पुलिस को और अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना और फटकार भी लगाई गई है।